गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब तक आपको हम चैप्टर वन और चैप्टर टू पढ़ा चुके हैं। चैप्टर वन और चैप्टर टू कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको फिर से एक बार जो है चैप्टर वन रिवीजन करना है। और चैप्टर वन रिवीजन में आज आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स में आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट बी फॉर बिगर एंड एस फॉर स्मॉलर। तो इन दो पिक्चर में जो बिगर है उसमें हम बी लिखेंगे हम लोग, और जो स्मॉलर है उसमें एस लिखेंगे। फिर इसी तरह आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो बिगर है इसमें आपको उसमें बी लिखना है, जो स्मॉलर है उसमें एस लिखना है। नेक्स्ट देखिए, टिक द एनिमल्स विथ लॉन्गर टेल। टेल मीन्स क्या होता है, पूछ। तो इन दोनों से एनिमल में जिसका लॉन्ग टेल है, जिसका लॉन्गर टेल है उसको टिक करना है। इन दोनों में भी आपका जिसका टेल लॉन्गर है उसको टिक करना है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए, टिक द टॉलर वन। इन दोनों में जो टॉलर है यानी लंबा है उसको टिक करना है। क्रॉस द शॉर्टर एनिमल। इन दोनों पिक्चर में जो शॉर्टर है उसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है? यहाँ देखिए, फिर है आपका कि कलर द हैवीएस्ट वन। इन पिक्चर में देखिए कि इन दोनों में जो हैवीएस्ट है उसको आपको जो है कलर करना है। हैवीएस्ट मतलब क्या हुआ, जो भारी भरकम। तो इन दोनों में कौन है, जो आपको लग रहा है कि भारी भरकम है उसको करना है, जो हैवी है। टिक द एनिमल्स दैट इज नियर द पॉन्ड। अब ये पिक्चर में देखिए, ये पॉन्ड है। अब इस पॉन्ड के जो नियर है, नियर मीन्स होता है नज़दीक, जो नियर है उसको टिक करना है, ठीक है? फिर नीचे का पिक्चर में देखिए कि दिया हुआ है, टिक द थिकर वन अक्रॉस द थिनर वन। थिकर मीन्स हुआ मोटा और थिनर मीन्स हो गया पतला। तो आप देखिए दो पिक्चर दिया हुआ है, आपको उसमें एक में थिकर में लगाना है, इस पिक्चर में आपको लगाना है जो थिकर है उसमें टिक लगाना है, और इसमें जो थिनर है उसमें क्रॉस करना है, ठीक है? फिर देखिए, टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। अब तीन जो है व्हीकल है, यहाँ पे तीन व्हीकल्स आपको दिख रहा है, और उसमें से आपको जो सबसे बिगेस्ट है उसमें टिक लगाना है। फिर उसके नीचे देखिए, तीन वेजिटेबल्स है, तीन वेजिटेबल्स में जो सबसे बिगेस्ट है उसमें टिक करना है। नीचे का पिक्चर देखिए, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट हो गया लंबा, तो सर्कल द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे लंबा है उसको आपको सर्कल करना है। दोनों पिक्चर देखिए, इसमें जो भी लंबा है उसको आपको सर्कल करना है। फिर आपका आता है टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट में आपको क्या करना है कि इसमें कलर द टॉलेस्ट ट्री। थ्री ट्री है जिसमें जो आपको इसमें सबसे लंबा लगता है उसको आप कलर कीजिएगा। नीचे देखिए पिक्चर दिया हुआ है नाइफ स्पून का। तो इन सब में से जो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको सर्कल करना है। यहाँ भी देखिए, हर्ट है, फ्लावर्स है, फल है, इनमें से जो सबसे छोटा है उसको आपको सर्कल करना है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, हैवीएस्ट और लाइटेस्ट। सर्कल द हैवीएस्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट। जो इसमें हैवी है उसको सर्कल करना है, और जो लाइट है हल्का है उसको क्रॉस करना है। तो दो पिक्चर है आपका देखिए,
दोनों में आपका दिया हुआ है तीन कैटेगरी का, इसमें से आपको पिक्चर देखना है और आप इसमें देखो देखिए कि जो आपको सबसे हैवी लगे उसको आप जो है सर्कल कीजिए और जो सबसे हल्का लग रहा है उसको क्रॉस कीजिए। फिर आता है आपका नियरेस्ट फास्टेस्ट। नियरेस्ट फास्टेस्ट में क्या है, नियर मीन्स क्या हो गया नज़दीक और फार मीन्स क्या हो गया दूर, तो वही नियर से ही बना है नियरेस्ट और फार्थेस्ट। क्रॉस द व्हीकल्स दैट इज नियरेस्ट टू हाउस एंड टिक द वन दैट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द हाउस। ये बीच में हाउस है, अब यहाँ पे देखिए व्हीकल्स है, जो आप व्हीकल्स नियर में है उसको क्रॉस करना है और जो दूर में है फार है उसको टिक लगाना है। फिर नीचे का पिक्चर देखिए, टिक द वन विथ लेस लिक्विड, दो जार में आपका लिक्विड है ठीक है, जिसमें कि एक में फुल है दूसरे में कम है, तो लेस मीन्स क्या हुआ जिसमें कि कम है, तो जो लेस लिक्विड है उसको टिक करना है। इसी तरह इधर जो है जूस का बॉटल दिया हुआ है पैकेट, जिसमें मोर देन है और एक में मोर देन है इसमें एक में लेस है, तो जिसमें लेस है आपको उसमें टिक करना है। फिर नीचे देखिए, क्रॉस द वन विथ मोस्ट वाटर, जिसमें अधिक है पानी, जिसमें मोस्ट वाटर है उसको आपको क्रॉस करना है ठीक है। फिर यहाँ देखिए, मोर एंड प्री नंबर कॉन्सेप्ट, मोर ऑन प्री नंबर कॉन्सेप्ट ठीक है, तो ऑन और अंडर, ऑन मीन्स होता है ऊपर और अंडर मीन्स होता है नीचे। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए, मंकी जो है ये ट्री के ऊपर है तो वहाँ क्या लिखाएगा ओ, और बॉय जो है वो बॉय नीचे है पेड़ के नीचे है तो वहाँ क्या लिखाएगा यू। इसी तरह यहाँ देखिए, एक फ्लावर ऊपर है और एक फ्लावर नीचे है, तो जो ऊपर रहेगा उसमें वो लिखाएगा, जो नीचे रहेगा उसमें यू लिखाएगा। इसी तरह नीचे है एवव और बिलो, राइट ए फॉर एवव और बी फॉर बिलो। एवव मीन्स भी होता है आपको मतलब किसी चीज़ के ऊपर जो बैठना। अब इस पिक्चर में बॉय को देखिए कि वो लड़का जो है वो सिप के एवव है, ऊपर है ठीक है, और नीचे में देखिए कि वो टॉर्टोइस है फिश है ये सब क्या है पानी के वाटर के बिलो है। तो आपको जो है जो वाटर के बिलो है उसमें बी लगाना है और जो वाटर के ऊपर है उसको उसमें ए लगाना है। फिर आता है आपका टॉप और बॉटम। टॉप मीन्स हो गया टॉप फ्लोर, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए ये जो है कैट जो है ये टॉप में है एकदम सबसे ऊंचा शिखर पर, और ये डॉग जो है सबसे नीचे है, तो जो सबसे ऊंचा है वहाँ यहाँ पहुँचा हुआ है तो इसको यहाँ पे टी लिखेंगे और जो नीचे बॉटम में यहाँ बी लिखेंगे। उसी तरह इसमें देखिए ये ऊपर है तो यहाँ टी लिखाएगा और ये नीचे है तो यहाँ बी लिखाएगा। तो इस तरह इसमें भी देखिए ये टी यहाँ पे लिखाएगा और ये नीचे है तो यहाँ पे बी लिखाएगा। फिर आता है इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। तो आप देखिए कि जो हाउस के अंदर है वहाँ पे आई लिखाएगा इनसाइड, और जो हाउस के बाहर है वहाँ पे लिखाएगा ओ। एक सर्कल बना हुआ है देखिए, कुछ सिप उसके अंदर है और कुछ सिप बाहर है। फिर पौंड में देखिए, डग कुछ पौंड में है और कुछ बाहर है, तो जो बाहर है उसमें ओ लिखाएगा और जो अंदर है उसमें आई लिखाएगा। तो इस तरह आपका चैप्टर वन का ये पूरा रिवीजन हम करवा दिए। फिर हम आपका इसका एक टेस्ट देंगे आपको, जो आपको बनाना है ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, पूरा चैप्टर आपको हम फिर से रिवाइज करके समझा दिए हैं, तो अब आप इसको अच्छे से टेस्ट दे दीजिएगा ठीक है। गुड डे।